ये एग्जाम आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, बहुत सारी चीजें, और ना जानते हुए आप सीख रहे हो। सिर्फ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके एटीट्यूड, आपके पढ़ाई करने के तरीके, अपने गोल्स के पीछे दौड़ने की मेहनत, उसके पीछे की लगन, ये सारी चीजें भी तो आती है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता बेटा। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप 24-25 साल के होंगे, अब आपके दिमाग में होगा यार मैं लाइफ में ये करना चाह रहा हूँ। अब आपके अंदर विल ही नहीं है, 4 दिन के बाद छोड़ के बैठ गए, फिर 10 दिन बाद नहीं यार लाइफ में ना उसने ये चीज अचीव कर लिया है, आज मैं ये ऐसा बनूंगा, 20 दिन के बाद फिर उसको छोड़ देगा तू। तेरे अंदर कोई भी चीज जब तू टारगेट बना के अचीव करने की कोशिश करेगा उसमें हमेशा स्ट्रगल्स रहेंगे भाई, हमेशा स्ट्रगल्स रहेंगे, तो तू वो तो स्ट्रगल देखते ही पीछे हट जा रहा है। तो ये तूने एटीट्यूड ही ऐसा बना लिया ना, क्योंकि जो तेरा फाइटिंग वाला टाइम था वहां पर तू हर बार कोई प्रॉब्लम देखता था अरे छोड़ यार होनी ही नहीं है, दूसरों में 10 कमियां निकाल के बैठ गए, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ यार वो लोग भी बेवकूफ है जो मेहनत कर रहे हैं, बना लोगे तुम। और मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, आपके एक्सक्यूजेस आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। लोग चाहे जितना बोलने के हार्ड वर्क तो मैंने बहुत सारे ऐसे ओपिनियन सुने हैं ना जिसको मैं स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में उन तरीके से भी जिया है, मैंने एक्सक्यूजेस बनाकर भी जिया है, एंड आई नो दैट वो बहुत दिन तक टिकते नहीं, मेहनत ही टिकती है। और अगर हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि भाई हम बहुत रिच है, हम बहुत वो है, करोड़ों में से कुछ ऐसे 10, 20, 30, 100, 1000 बंदे होंगे जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं होगी और वो बहुत अच्छा कर गए, वेरी गुड, मैं उनको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए काम नहीं करता है बेटा, हमें घिसना पड़ता है। अगर आपका लक हुआ तो आप कम घिसाई के साथ ज्यादा मेहनत, ज्यादा अच्छी जगह पर निकल जाओगे, लेकिन शायद ही लाखों करोड़ों लोगों में से शायद ही एक आध इंसान ऐसा होगा जिसने किसी चीज के लिए कोई मेहनत नहीं करी और उसको मिल गई, और वो डिजर्विंग शायद ही होगा। अगर होगा तो ठीक है भाई, मैं उसको मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उस कैटेगरी में लाए नहीं करते, हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी, और मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार समय गवा दोगे बेटा, जिंदगी भर पछताओगे, इसलिए नहीं कि IIT नहीं निकला, इसलिए पछताओगे कि जब मेरे पास मौका था तो मैंने मेहनत नहीं करी, ये आपको खलेगा ज्यादा। 20 साल के बाद मेरे पास क्या डिग्री है, डजंट मैटर यार, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिनके पास मेरे से भी अच्छी डिग्री है और मेरे से कम वाली भी डिग्री हो, लेकिन आज मेरे साथ बैठ के काम कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं, मैं भी उनकी उतनी ही इज्जत कर रहा हूँ, वो भी मेरी उतनी ही इज्जत कर रहे हैं, हम बराबर है। डिग्री मैटर नहीं करती एक पॉइंट के बाद बेटा, आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी मेहनत मैटर करती है। तो आप सभी लोगों को मैं यही चीज समझा रहा हूँ, प्लीज इस चीज को समझिए, आपके पास हो सकता है फ्यूचर में और भी विकल्प होंगे करियर वाइज, आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग दैट। समझिए, कुछ बच्चे कहते हैं अरे आजकल तो ये करके भी तो पैसा कमाए, अबे भाई कमा लियो, लेकिन आज क्या तेरे पास अभी है, और अगर है तो तू कर फिर उसको 100% उसको कर, वो गलत नहीं है तो तू फिर बीच में पढ़ाई मत कर, और अगर तेरे लिए पढ़ाई ही एक विकल्प है आगे बढ़ने का तो 100% पढ़ाई कर, फिर ये सब ज्ञान की बातें मत कर कि भाई लोग ऐसे करके भी कमा के सक्सेसफुल हो जाते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं, भाई कमा लियो, तू भी कमा लियो, लेकिन आज तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो तेरे को आज ही डिसाइड करना है, समझ रहा है? मुझे ये चीज बार बार आपको नहीं समझानी है, आप लोग सीरियसली, मुझे पता है इस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सीरियस है और उस चीज को रिस्पेक्ट करेंगे, प्लीज आप सभी लोग मेहनत करिए, ये समय वापस नहीं आएगा बेटा। आज मैं जाके अपनी लाइफ की पास्ट की गलतियों को नहीं सुधार सकता, हाँ मैं यहाँ से कोशिश कर सकता हूँ कि वो गलतियां ना दोहरे, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता, इतनी शक्ति हम में नहीं होती और आपके पास भी नहीं। आज जो भगवान ने आपको समय दिया है यूटिलाइज कर लीजिए बेटा, एटलीस्ट आफ्टर दिस एग्जाम यू विल हैव लीस्ट गिल्ट कि मैंने मेहनत कर ली थी। लोग तो ताने मार ही देंगे, तब भी मार देंगे भाई, जो सेकंड रैंक भी आता है ना लोग उसको भी ताना मार देते हैं, यार इतनी मेहनत करी फर्स्ट ही आ जाती, कमी निकाल देते सेकंड रैंक में भी, और फर्स्ट वाले में भी कमियां निकालने वाले निकाल देते हैं, लोग ऐसे हैं आज की डेट में, तो लोग तो बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट अंदर से पीसफुल रहेगा तू कि जब तूने मेहनत करी होगी, जब तेरे को पता होगा कि तूने मेहनत करी थी, ठीक है? तो बाहर से तो लड़ना ही है, अंदर से भी लड़ना पड़ जाएगा बाद, इससे बेटर है कि मेहनत कर ले कि कम से कम अंदर से तेरी लड़ाई ना हो कि यार तू ही गधा था कि तूने मेहनत नहीं करी जब समय था, बाहर की दुनिया तो हमेशा ही गाली देगी तेरे को, सबको दे रही है भाई, तो एटलीस्ट अंदर से स्ट्रॉन्ग बनता हूँ। आज भी मैं बहुत बड़ी तो जिंदगी नहीं जिया हूँ, लेकिन मैं आज भी अपनी लाइफ पलट के देखता हूँ तो मेरे पूरे एजुकेशनल करियर में